माशाल्लाह हर सदबीस जो है हक और सच दिखाते हैं, हक और सच के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। इसलिए हमारा विचार हुआ कि हम आइम्मा किराम की तरफ से इनको एक गुलदस्ता और ये पेश किया। किसकी मजाल थी जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये मिसाल अरशद बिसरू पत्रकार पर सटीक बैठती है। नमस्कार आदाब, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं मेवात आज तक पर आज तक की सबसे लोकप्रिय खबर। कृपया वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आज हरियाणा राजस्थान यूपी के बीच बसा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र मेवात में शिक्षित गांव बिसरू में जन्मे अरशद बिसरू पत्रकार को समस्त हरियाणा वक्फ बोर्ड की मस्जिदों के शाही इमाम और मेवात के स्वतंत्र जर्नलिस्ट अरशद बिसरू को गुलाब का गुलदस्ता अवार्ड तथा गिफ्ट देकर दिल से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, यह वही अरशद बिसरू है जिन्होंने 4000 से ज्यादा गरीब परिवारों की दबी कुचली आवाज को निडर होकर बुलंद किया है। डर के आगे जीत है, तभी तो आज मेवात में उनका नाम का डंका बज रहा है। उन्हें मेवात सहित दुनिया भर में 24 लाख से ज्यादा परिवार प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं। उनके व्यूअर्स की बात की जाए तो करोड़ों अरबों में है। दोस्तों, अब आपको थोड़ा बैक लिए चलते हैं। करीब 2 साल पहले किसान आंदोलन के दौरान सुनहरा बॉर्डर पर एक धरने के दौरान कुछ घटिया मानसिकता के लोगों द्वारा सोची समझी साजिश के तहत पहले तो एक मौलवी को अरशद बिसरू के बारे में गलत बात कहकर कंफ्यूज किया और फिर माइंड वॉश कर मेवात के सच्चे ईमानदार साफ सब छवि के पत्रकार का जबरदस्त विरोध करा दिया और फिर सोशल मीडिया पर अरशद बिसरू के मेम्स बन गए। उनकी तस्वीरों को बिगाड़ कर तरह तरह के एलिवेशन लगाकर फेसबुक पर पोस्ट कराए गए। इतना ही नहीं दोस्तों, अरशद बिसरू पत्रकार पर 4 बार जानलेवा हमला तक कराए गए, मगर जाकू राखे साइया वाहे मार सके ना कोई। प्यारे दर्शकों, मेवात आज तक के चीफ एडिटर अरशद बिसरू ने इन तमाम बातों को इग्नोर किया और आगे बढ़ते गए, धैर्य और साहस से काम लिया। आज परिणाम आपके सामने है। मेवात का पहला पत्रकार है जिसे राजनेता और जनता सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। उनकी लोकप्रियता इस कदर बढ़ रही है, 2 मिलियन से ज्यादा परिवारों का प्यार मिल रहा है। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से, ये खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। विरोधियों के हौसले पस्त पड़े और अरशद बिसरू बुलंदियों को छू रहा है। पहले 52 देशों की तंजीम के तमाम उलेमाओं ने दिल्ली में करीब 800 साल पुरानी ऐतिहासिक काली मस्जिद में इंटरनेशनल अवार्ड देकर बेहतर पत्रकारिता के लिए अरशद बिसरू को सम्मानित किया और आज तमाम हरियाणा वक्फ बोर्ड की मस्जिदों के इमामों ने अरशद बिसरू को सम्मानित किया। अरशद बिसरू ने कहा कि आज यह सम्मान पाकर मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूं। जो लोग मेरी छवि को समय समय पर धूमिल करने की कोशिश करते हैं उन्हें साफ शब्दों में संदेश दे रहा हूं, कृपया मैं आप सबका बेटा हूं, भाई हूं। आप किसी दूसरे के महल को देखकर अपनी झोपड़ी में आग मत लगाना, इसी में आपकी भलाई है। यह सब घटिया सोच रखने वाले लोगों के लिए अच्छे लोगों के लिए सलाम है और मुकाबला करना है तो मेरे काम से कीजिएगा। कुल मिलाकर दोस्तों, झूठे विरोध का पर्दाफाश और सच्चाई की तथा ईमानदार की हमेशा जीत होती है। अरशद बिसरू ने देश भर के उलेमाओं का दिल की गहराई से धन्यवाद किया। फिलहाल इस अंक में इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। हरियाणा मेवात से संवाददाता शहनाज खान की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला के हुक्म से आज मेवात सहित पूरे हरियाणा प्रदेश की जितनी भी वक्फ बोर्ड की मस्जिद हैं उन तमाम मसाजिदों के पेश इमामों ने मुझे आज यहाँ पर बेहतर कार्य के लिए सम्मान दिया है, सम्मानित किया है। इसलिए मैं तमाम उलेमा हजरात और ख़ासकर वक्फ बोर्ड के जितने भी पेश इमाम हैं उन सब का दिल की गहराई से आभारी हूँ और दिल से धन्यवाद। इसके अलावा जो आज नए सदर का आगाज़ हुआ है, कारी हनीफ साहब का, जो माड़ब गांव से हैं, जो आज पूरे हरियाणा प्रदेश के तमाम वक्फ बोर्ड की मस्जिद के इमामों ने एक सहमति के साथ उन्हें अपना सदर चुना है, वो वाकई काबिले तारीफ़ है। जिन्होंने मेवात आज तक को इस काबिल समझा कि मेवात आज तक के चीफ एडिटर यानी मुझे सम्मानित किया, सम्मान दिया, आज मैं बेहद खुश हूँ कि हज़ारों की तादाद में आलिमों के बीच में मुझे बुलाया और मुझे अपनी दुआओं से नवाजा और सम्मानित किया। उलेमाओं की तरफ से जो सम्मान आज मिला है वो न केवल मेरे लिए बल्कि मेवात आज तक के 25 लाख दर्शकों का ये सम्मान हुआ है। माशाल्लाह, हम
हमारी तंजीम आइमा औकाफ के जितने भी अहदेदारान हैं उन सब ने फैसला किया कि माशाल्लाह हर सब 20 रोज जो है हक और सच दिखाते हैं, हक और सच के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। इसलिए हमारा विचार हुआ कि हम आइमा किराम की तरफ से इनको ये गुलदस्ता और ये पेश किया है बड़ी खुशी के साथ। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।